किसी पासवर्ड वाली कंपनी जो हमने क्रिएट कर रखी है, तो इसे हम ओपन करेंगे। इसके लिए ओपन करने के लिए पासवर्ड इंटर हम करेंगे, जैसे कि हमने पहले इसमें पासवर्ड इंटर किया था, तो मास एंटरप्राइजेस 2 नाम से ही आ रही है। तो उसके नीचे जो चेंज टैली वॉल्ट ये जो है, इस पर हम जाने के बाद उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो करंट पासवर्ड पहले हम डाल देंगे और इंटर करेंगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड हमें लिखना होगा। तो हम न्यू पासवर्ड को उल्टा रख देंगे और यहाँ पर बताएंगा फेयर अगर है तो उसे हम रख सकते हैं, वीक रहा तो बराबर नहीं रखना है। तब ये यस और नो का चेंज का ऑप्शन आएगा, तो इसको हम यस करेंगे वाई से। इस तरह से क्रिएटेड न्यू कंपनी लिखकर आ जाएगा, यानी कि वो पासवर्ड चेंज तो हो जाएगा लेकिन वो क्रिएटेड न्यू कंपनी ऐसे बताएगा, जिसे हम सेलेक्ट कंपनी में जब जाएंगे तो उसका ऑटो जनरेटेड जो नंबर था पहले, तो वो नई कंपनी के तौर पे उसको 10,000 के तौर पे बना देगा, क्योंकि हमने 10,000 के तौर पे एक कंपनी डिलीट की थी। इसे एक मरतबा फिर से हम चेंज करेंगे। सपोज हमने ये कंपनी ली है, अब हम इसे एक मरतबा फिर से इसका पासवर्ड चेंज करेंगे। तो ये जो पासवर्ड है इसका, तो जो पुराना पासवर्ड है हम वो डाल देंगे और न्यू पासवर्ड अब इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में वाई प्रेस करेंगे, क्रिएटेड न्यू कंपनी। अब जो डिलीट हो गई थी कंपनी, तो उसके बाद अब जो सीरीज है वो ले लेंगे, यानी कि आपने जो सीक्वेंस वाली कंपनी को डिलीट कर रखी होती है तो वो सीक्वेंस में उसको कंपनी को नाम दे देता है, और जैसे ही वो कंपनी वहां से फुल हो जाएगा डेटा, तो उसे वो सीक्वेंस में बना लेगा। तो ऐसे उसकी सीक्वेंस होती है, यानी कि उसके बाद जो नंबर हो गए थे 5, उसके बाद 6 आ जाएगा।